दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ITBP में एक और नई वैकेंसी आई हुई है। ठीक है दोस्तों, जो है कि अभी अभी कल ही अपडेट की गई है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपकी 298 पोस्ट पे एक ITBP की वैकेंसी आई हुई है, और उससे पहले 498 पोस्ट के लिए भी आपके पास वैकेंसी आई है। लेकिन ये उन सबसे अलग है जो भी रात ही अपडेट की गई है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ITBP रिक्वायरमेंट में 121 वैकेंसी रखी गई है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जिसे आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ, BSF में रेडियो ऑपरेटर की 1070 वैकेंसी आई है। उस वीडियो का जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP में ग्रुप सी पर ये पोस्ट रखी गई है, जिसे आप 22 अप्रैल 2009 से 9 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि होगी वो 22 अप्रैल से शुरू होगी और जो लास्ट होगी वो आपकी 21 जून होगी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद चलते हैं अप्लाई करने के लिए। आप इसे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आप जैसे एक्टिवेट होगा वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, फॉर्म कैसे भरना है आप चेक कर लेना। ओके, अब मैं आपको बताऊं, मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता मापदंड, आप ये मत सोचना कि इसमें वैकेंसी 121 है तो आप फॉर्म नहीं भरोगे। आप जैसा सोचते हो और भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप प्लीज फॉर्म जरूर भरना। आपका मापदंड होता है यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास या उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। अब स्केल पे की बात करें तो बहुत अच्छा स्केल पे आपका होगा। लगता है आपकी सरकारी नौकरी में 21,700 आपको सैलरी मिलेगी और 69,100 पर जाकर एंड हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, अब जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी आपकी जनरल OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। आयु सीमा आपकी 18 से 23 वर्ष होगी, और जो आपका एज इलेक्शन होगा जैसे कि SC ST OBC वाला, वो आपको मिल जाएगा 10% का स्वर्ण भी इसमें मिलेगा। सूचना, आधिकारिक सूचना PDF डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप इसे वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है चयन करने के लिए उम्मीदवारों का जो चयन होगा डॉक्यूमेंट, फिजिकल स्टैंडर्ड, PCS विस्तृत आदि मेडिकल आधार पर किया जाएगा। कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन अप्लाई ऑनलाइन यानी कि जो पिछले 2 वर्षों में कैलेंडर वर्षों में ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल जिन्होंने खेला है वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। 121 पोस्ट जो आपकी एथलेटिक्स, वाटर स्पोर्ट, बॉक्सिंग, बूश शूटिंग, कुश्ती आदि के लिए रखी गई है, तो आप इसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपके काम का नहीं है तो जिनके काम का है प्लीज़ उनके पास शेयर जरूर कर दे। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।